Hello my dear students, today we are going to learn English 2, picture composition. My dear students, मैंने आपको अगले लेक्चर में ये सेकेंड चैप्टर कॉम्पोजिशन कंप्लीट करवाया था, उसमें हमने फर्स्ट कॉम्पोजिशन किया था इंट्रोडक्सिंग माई सेल्फ. यस, माई सेल्फ हमने इंट्रोड्यूस किया था, मीन्स इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, उसमें पिक्चर आपको स्टिक करना है, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो आज हम सेकेंड कॉम्पोजिशन करेंगे, वो कौन सा है, पिक्चर कॉम्पोजिशन. ये पिक्चर कॉम्पोजिशन में क्या होता है, आपको पिक्चर देखना है और उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन आंसर है तो वो लिखना है और ट्रू फॉल्स है तो वो लिखना है. ओके, तो सी हियर फर्स्ट पिक्चर कॉम्पोजिशन. यस, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यस, अब देखो ये पूरा पिक्चर है यहाँ पे. इसमें ये पिक्चर में क्या है, द चिल्ड्रन आर इन द गार्डन. यस, यहाँ इसमें दो बच्चे हैं, उसमें उसके हाथ में क्या है, अम्ब्रेलास. दोनों ने कलरफुल अम्ब्रेला हाथ में पकड़ के रखा है. या यस, फिर डे कैसा है, बारिश आ रही है ना, तो डे कैसा है, रेनी डे. यस, वहाँ पे एक बेंच पड़ा है, देखो वो बेंच के बाजू में कौन खड़ा है, पुलिसमैन. यस, फिर डॉग है ना, ये डॉग वो भी रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है. यस, तो ये पूरा पिक्चर है, इसमें रेनी डे है. यस, इट इज़ अ रेनी डे. यस, उसमें दो बच्चे हैं, देखो. यस, तो दोनों बच्चे के हाथ में कलरफुल अम्ब्रेलाज है. यस, यहाँ पे बाजू में एक बेंच है, वो बेंच के बाजू में कौन खड़ा है, यस, पुलिसमैन. यस, द पुलिसमैन इज स्टैंडिंग नियर बेंच. यस, तो ये पूरा पिक्चर आपने देखा रेनी डे का. यस, ओके, अब देखो उसके नीचे है एक्सरसाइजेस में, फर्स्ट है राइट यस और नो फॉर ईच स्टेटमेंट. राइट यस और नो फॉर ईच स्टेटमेंट. फर्स्ट, द चिल्ड्रन आर इनसाइड देयर हाउस. द चिल्ड्रन आर इनसाइड देयर हाउस, मतलब चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो उसके घर के अंदर है. इनसाइड यानी अंदर, तो बच्चे हैं वो उसके घर के अंदर है. नो, बच्चे तो घर के बाहर है. देखो एक बहुत अच्छा सा फार्म जैसा है, वहाँ पे दोनों बच्चे कैसे वो खेल रहे हैं हाथ में अम्ब्रेलाज लेके, उसको तो बहुत ही मज़ा आ रहा है. यस, आप देख ही रहे हो ये पिक्चर में, दोनों बच्चे हैं, उसने उसके हाथ में कलरफुल अम्ब्रेलाज पकड़ के रखा है और एक फार्म जैसा है, वहाँ पे एक पुलिसमैन खड़ा है, वहाँ पे एक डॉग है वो रन कर रहा है और एक व्यू है वो भी कैसा है, ब्यूटीफुल, मीन्स अब मज़ा आ रहा है वैसा व्यू है ना, बारिश आ रही है. यस, तो ये फर्स्ट में हम क्या आंसर लिखेंगे, नो द चिल्ड्रन आर इनसाइड देयर हाउस. नो, चिल्ड्रन तो आउटसाइड है. यस, द चिल्ड्रन आर आउटसाइड देयर हाउस. फिर द स्काई इज क्लाउडी. स्काई इज क्लाउडी, यस, बारिश आ रही है ना, इसीलिए स्काई कैसा है, क्लाउडी है. फिर द चिल्ड्रन लुक सैड. द चिल्ड्रन लुक सैड, ये पिक्चर में बच्चे आपको सैड दिख रहे हैं कि हैप्पी दिख रहे हैं. यस, ये पिक्चर में ये दोनों बच्चे वो आपको कैसे दिख रहे हैं, सैड या हैप्पी, हैप्पी दिख रहे हैं ना. यस, तो यहाँ पे हम लिखा है नो, बच्चे सैड नहीं है, बट बच्चे तो कैसे हैप्पी है, उसको तो बहुत ही मज़ा आ रहा है रेन में, इसलिए यहाँ पे बच्चे है वो चिल्ड्रन है वो हैप्पी है. चिल्ड्रन लुक हैप्पी नॉट सैड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो. फिर है द डॉग इज चेसिंग अ कैट. द डॉग इज चेसिंग अ कैट, देखो यहाँ पे कैट लिखा है, द डॉग इज चेसिंग अ कैट, बट हमारे पिक्चर में कैट नहीं दिखाया है. यस, हमारे पिक्चर में कैट दिख रहा है नो, तो हम चेसिंग अ कैट कैसे इसमें बोल सकते हैं, डॉग है वो रन कर रहा है वो सही बात है, बट वो कैट के पीछे भाग रहा है वो हम कैसे गेस करेंगे, क्योंकि इसमें तो कैट दिया ही नहीं है,
इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है नो. ओके, फिर है द पोलिसमैन इज गेटिंग वेट इन द रेन. यस, पोलिसमैन है वो गीला हो गया ना पूरा है, पोलिसमैन है वो देखो बारिश में वो भीग रहा है. यस, उसके पास अम्ब्रेला है. नो, तो वो क्या कर रहा है, पोलिसमैन इज गेटिंग वेट इन द रेन. तो पोलिसमैन है वो बारिश में पूरे गीले हो गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है यस. ओके, फिर है आंसर दिस क्वेश्चंस. आंसर दिस क्वेश्चंस, अब हमें ये पिक्चर के ऊपर से ही क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने. ओके, फर्स्ट है Where are the children? Children कहाँ पे है? Answer, the children are in the garden. Children garden में ही है ना? Yes, the children are in the garden. फिर What are they carrying? They carrying means बच्चे ने हाथ में क्या पकड़ के रखा है. तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है दे आर कैरिंग अम्ब्रेलास. बच्चों के हाथ में क्या है, अम्ब्रेलास, छाता है ना दोनों के हाथ में. यस, तो यहाँ पे लिखा है मैंने दे आर कैरिंग अम्ब्रेलास. फिर है What kind of a day is it? डे कैसा है, इट इज़ अ रेनी डे. कैसा डे है, रेनी डे है ना, बारिश आ रही है, स्काई भी क्लाउडी है, बच्चे हाथ में छाता लेके बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं. वहाँ पे एक पुलिसमैन खड़ा है बेंच के बाजू में, वो पूरा पुलिसमैन है वो पूरे गीले हो गए, इस बारिश में वो पूरे भीग गए हैं. देखो तो डे कैसा है, रेनी डे. फिर है Who is standing near the bench? बेंच के बाजू में कौन खड़ा है, आंसर द पुलिसमैन इज स्टैंडिंग नियर द बेंच. ओके, फिर है डू यू लाइक द पिक्चर, why not? जो आपको ये पिक्चर पसंद है तो क्यों, और आपको ये पिक्चर नहीं पसंद है तो क्यों. जो आपको पसंद है तो उसका रीज़न लिखना है कि यस मुझे पसंद है, आपको नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है उसके लिए रीज़न लिखना है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है यस, क्योंकि मुझे ये पिक्चर पसंद है. क्यों, बिकॉज आई लाइक टू प्ले इन रेन, मुझे बारिश में खेलना बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैंने लिखा है ये पिक्चर मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैंने लिखा है यस. ओके, तो आज हमने क्या सीखा, पिक्चर कंपोजिशन. यस, पूरा पिक्चर एक गार्डन है, गार्डन में चिल्ड्रन है ना. यस, द चिल्ड्रन आर इन द गार्डन. यस, दे आर कैरिंग अम्ब्रेलास. दोनों बच्चे के हाथ में क्या है, अम्ब्रेलास, उसने पकड़ के रखा है. फिर डे कैसा है, इट इज़ अ रेनी डे. उसमें एक पुलिसमैन भी खड़ा है, वो कहाँ पे खड़ा है, तो पुलिसमैन इज स्टैंडिंग नियर द बेंच. ओके, फिर उसमें एक डॉग है, वो डॉग भी रन कर रहा है. यस, दौड़ रहा है ना. फिर स्काई कैसा है, क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी. यस, द पुलिसमैन इज गेटिंग वेट इन द रेन, पुलिसमैन भीग गए ना पूरा. यस, एंड चिल्ड्रन लुक हैप्पी, दोनों बच्चे भी देखो कैसे खुश है ना. तो ये पूरा एक पिक्चर है, तो ये पिक्चर के ऊपर से हमने यस नो आंसर लिखा और क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट किए. माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एग्जाम में पिक्चर कंपोजिशंस आने वाला है, फिर इंट्रोडक्शन माई सेल्फ वो भी आएगा, और उसके पहले मैंने आपको एक चैप्टर नंबर 19 रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन करवाया, पैसेज 1 अली गोज टू द जू, तो वो भी आपको आएगा. उसमें है क्वेश्चन आंसर्स और टिक द करेक्ट आंसर. तो ये पैसेज आएगा, पैसेज के ऊपर से या तो टिक द करेक्ट
आपको करना है कंप्लीट या तो क्वेश्चन आंसर, दोनों में से एक एक्सरसाइज आएगी तो वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग पूरा क्या बोलते हैं सेमेस्टर वन का ये एक सिलेबस है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग रीड करना है और वो आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश टू का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट होता है, ओके। तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिलेबस है, चैप्टर 1 to 9, चैप्टर 19 पैसेज 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, चैप्टर 20 कॉम्पोजिशन इंट्रोडक्सिंग माई सेल्फ पिक्चर कॉम्पोजिशन। तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है जो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। अब इसके ऊपर से ये मीन्स मैंने जितना भी आपको टेक्स्ट बुक में करवाया है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो आपको रीड करना है, उसमें से ही हमारा क्वेश्चन पेपर निकलेगा और आपको उसमें आंसर लिखना है, ओके। थैंक यू।